Hello everyone, myself Dr. Sandhya, and I welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about rotational spectra. रोटेशनल स्पेक्ट्रा है बेटा, ये आपका मॉलिक्यूलर फिजिक्स से टॉपिक है। और जैसे मॉलिक्यूलर फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं स्पेक्ट्रास की, तो जनरली तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा आता है, एक वाइब्रेशनल आता है, जो थर्ड वन है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आता है। द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन बाय द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम एंड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर एनर्जी है उसको हम जनरली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। या तो वो मॉलिक्यूल्स के रोटेशन की वजह से हो सकती है, या एटम्स हैं उनके बीच कॉन्स्टिट्यूएंट जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशंस की वजह से हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है उसकी चेंज की वजह से हो सकती है। और अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं आज, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो एक तरह से उनके बीच की जो स्टेट्स होती हैं, ठीक है, द रोटेशनल स्टेट इज सेपरेटेड बाय ईच अदर बाय द एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल। तो वो इंटरवल है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, उसके लिए आप एनर्जी की रेंज बताओगे 10^-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सच स्पेक्ट्रा लाई इन द माइक्रोवेव रीजन। और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की बात कर रही है, तो वो इस किस में लाइक करेगा, माइक्रोवेव रीजन में। आप वेवलेंथ रेंज है वो दे सकते हो 10^-6 मीटर से लेकर आपका 0.1 mm तक हो सकता है। इन द सेम सीरीज द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आर विच हैव द हाई एनर्जी लेवल्स एंड बीइंग सेपरेटेड बाय द वाइड गैप ऑफ द सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लाइज इन द विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, उसी तरह से अगर हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की अगर हम बात कर रही है, तो उनके एनर्जी लेवल्स होते हैं उनका सेपरेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। और उनके लिए हम बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे यहाँ पे हमने बोला कि जो मतलब इंटरवल है वो कितना है, 10^-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उनके बीच का गैप होता है एंड लाई इन द विजिबल एंड द अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, और ये किसमें करेंगे, ये विजिबल और अल्ट्रावायलेट जो रीजन है उसमें लाई करेगा। द रिजिड रोटेटर मॉडल कंसिडर द टू एटम। अब जो मतलब रोटेशन स्पेक्ट्रा है उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, रिजिड रोटेटर मॉडल है उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम क्या अज्यूम करते हैं, कंसिडर द टू एटम ऑफ द डायटमिक मॉलिक्यूल ऑफ द टू पॉइंट मास m1 एंड m2। ठीक है, तो हमने डायटमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो ले लिए हैं। ठीक है, और उसके अंदर फिर हमने क्या किया है कि दो पॉइंट मास है वो है हमारे इसके अंदर डायटमिक मॉलिक्यूल जो हम कंसिडर करके चल रहे हैं। एक पॉइंट मास है उसके कोरिस्पॉन्डिंग मास कितना हो गया, हमने नाम दे दिया उसको m1 का, और जो सेकंड वन है उसके कोरिस्पोंडिंग मास उसका नाम क्या है हमारा m2 है, which are fastened to the end of the weightless rigid rod of the length r। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दैट द सेंटर ऑफ द मास लाइन इन द पॉइंट ऑन द रोड, और सेंटर ऑफ मास है तो ऑब्वियसली बात है दो तो आपने मॉलिक्यूल्स आप कंसिडर करके चल रही हो, उन दोनों के बीच का क्या है एक तरह से जो गैप है वो कितना हो गया, r हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास वो उसी रेंज के अंदर, उसी रीजन के अंदर क्या करेगा, लाइक करेगा। लेट्स लेट द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज r1 फ्रॉम द मास m1 एंड r2 फ्रॉम द मास m2। हमने क्या किया है कि सेंटर ऑफ मास से हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि m1 के लिए कितनी डिस्टेंस है और m2 है उसके लिए डिस्टेंस कितनी है। तो m1 के कोरिस्पोंडिंग सेंटर ऑफ मास से जितनी डिस्टेंस उसको हमने नाम दे दिया r1 का, और m2 के साथ जितनी डिस्टेंस वो क्या होगी आपकी r2 होगी। ठीक है, दिस r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। अब जो कैपिटल था जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो हमने क्या कर दिया, r is equal to वो क्या है, सेंटर ऑफ मास है वो इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है, तो जो दोनों की जो डिस्टेंस है उन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, जो टोटल उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसके इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे कि r is equal to r1 plus r2। Now the molecule is rotated about the axis passing through the center of mass and the axis being perpendicular to the line of joining of the atom। अब हमने क्या करना है, हम कोई एक्सिस कंसिडर करके चल रही है जो सेंटर ऑफ मास है उसे लाइक कर रही है और परपेंडिकुलर है इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के। ठीक है, इसके अबाउट ये क्या कर रही है मॉलिक्यूल, ये है रोटेट कर रहा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट दिस एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, तो वो बेटा क्या होगा, आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड आई इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसके कोरिस्पोंडिंग हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड के कोरिस्पोंडिंग हो जाएगा। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये आप पर सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि m1 r1 इज इक्वल टू m2 n r2। ठीक है, तो ये रिलेशन है वो हम यहाँ यूज करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे आई। उससे पहले जो डायग्राम हम एक बार समझ लेते हैं, जो हमने रिजिड रोटेटर है डायटमिक मॉलिक्यूल है वो लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा
एटम है जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो मास है वो कितना हो गया एम वन है, और ये कितना हो गया कोई दूसरा एटम है उन्होंने कंसिडर किया है वो क्या है आपका, उसके कोरस्पॉन्डिंग मास है वो कितना हो गया एम टू है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस हमने क्या कहा था कि जो लाइन ज्वाइनिंग है इनके सेंटर से वो कितनी डिस्टेंस है, दैट इज आर। और इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात कर रही है तो वो कहीं, फॉर एग्जाम्पल इस जो रेड डॉट जो हम रिप्रेजेंट कर रही है वो कहीं ना कहीं इनके बीच का जो सेंटर ऑफ मास है उसको शो कर रहा है। अब हमने क्या कहा था कि आर वन है वो डिस्टेंस है इससे M1 मास की सेंटर ऑफ मास से, तो ये क्या हो गया आपकी R1, और सेंटर ऑफ मास से M2 की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपकी R2, और यही हमने कहा था कि R is equal to R1 plus R2, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कंबाइन हमें क्या देगी R देगी। तो ये एक तरह से आपकी रिप्रेजेंटेशन थी रिजिड रोटेटर के लिए फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल। दस वी गेट, अब जो पीछे जो रिलेशन हमने सेंटर ऑफ मास का यूज किया था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यहाँ से हम क्या कहेंगे कि I इज इक्वल टू एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, साथ में क्या है आर वन प्लस आर टू स्केयर हो गया, ठीक है। आर वन प्लस आर टू है उसको हम क्या नाम दे रही है, एक कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो पूरी क्वांटिटी है एम वन डिवाइडेड बाई एम टू एंड डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, इसको हमने क्या कर दिया एम डेस से रिप्रेजेंट किया है, ये कोई अलग मास है, ठीक है। तो ये मास है इसको हम क्या कहेंगे रिड्यूस्ड मास ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मतलब एक तरह से कंट्रीब्यूशन है बोथ मास, ठीक है, m1 एंड m2, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करोगे बेटा आप, कि प्रोडक्ट ऑफ टू मास एंड डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा सम ऑफ दीज टू मास m1 प्लस m2। दस वी कैन कंक्लूड द रोटेशन ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू द रोटेशन ऑफ द सिंगल पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है। यहां हम कह सकते हैं कि इसको हमने रिड्यूस्ड मास कह दिया कि जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मास है, ठीक है, और वो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने डायरेक्ट कोई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं लिया है इसमें, हमने रिड्यूस्ड मास के लिए क्या किया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मास एंड डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ दीज टू मास, ठीक है। तो ये हम क्या रिप्रेजेंट कर रही है रिड्यूस्ड मास में। अब इन्होंने क्या कहा कि अब जो ये हमने दो अलग अलग एटम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात कर रहे थे, तो इस डायटोमिक मॉलिक्यूल की जगह इन्होंने क्या कह दिया कि हम ऐसा ज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अब तक जैसे इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे सेम उसी तरह से क्या था उसमें मास और जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे जो मास है वो हम क्या ले रही है रिड्यूस्ड मास एंड रिप्रेजेंट हम उसको कर रही है एम डैश से एम डैश, और साथ में ये क्या हो गया आपका आर हो गया, ठीक है। आर बेटा हम बताओगे कि आर वन प्लस आर टू है उससे हम रिप्रेजेंट कर रही है इस डिस्टेंस को जो कि कैपिटल आर है। नाउ द डिस्टेंस ऑफ द रोटेटर विल बी फिक्स्ड, दैट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द रोटेटर विल बी वी इज इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्होंने क्या कहा कि वी विल बी जीरो। नाउ वी विल यूज द कंसिडरेशन टू सॉल्व द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर द रिजल्ट रोटेटर। अब रिजल्ट रोटेटर है उसके लिए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है वो ये सोल्व कर रही है, तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आपकी क्या होती है बेटा एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम एंड डेल स्क्वायर साई प्लस आपका क्या हो जाएगा वी साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है साई को अगर हम यहाँ से अलग करते हैं तो ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, और ये आपका क्या होता है एनर्जी ऑपरेटर होता है, ठीक है। फॉर द रिजल्ट रोटेटर हम क्या कहेंगे कि एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आई वन डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा कर्ली बाई कर्ली थीटा साइन ऑफ थीटा एंड आपका जो साई है वो आपका क्या है साई नीचे हम लिख रही है रोटेशन, ठीक है, दो रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके साथ में क्या है आपका वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साथ में एक और टर्म आपकी आ गई, ये आपकी है टर्म आपकी वन डिवाइडेड बाई साइन स्केयर थीटा एंड कर्ली स्केयर कर्ली साई ऑफ रोटेशन एंड कर्ली स्केयर इज इक्वल टू ई रोटेशनल एंड साई ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो वेव फंक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साई रोटेशन से, इसमें आपका थीटा का कॉन्ट्रीब्यूशन है और आपका फाई है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने क्या कहा कि जब हम सोल्व करते हैं तो आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी ई रोटेशनल से हम रिप्रेजेंट कर रही है इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर जे इंटू जे प्लस वन डिवाइडेड बाई टू आई, ठीक है। जे है वो यहाँ पे क्या है क्विक नंबर है, जे इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री उसके लिए पॉसिबल वैल्यूज है वो ये हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो वेव फंक्शन की बात करते हैं यहाँ पे रिजल्ट रोटेटर के लिए वो तो साई आप रोटेशन से रिप्रेजेंट करोगे वो आपका क्या है एन रोटेशन पी जे एंड ये आपका मोड ऑफ एम हो गया एन कॉस ऑफ थीटा ई रेज़ टू पावर आईटा एम फाई। अब आप इन चीजों को इंडिविजुअल बताओगे कि पी जे है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एन रोटेशन है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो फाई है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फाई इज इक्वल टू एजिमथल एंगल फॉर द लाइन कनेक्टिंग टू द मास टू द ओरिजिन एंड टेकन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हम जेड लेके चल रही है और यहाँ जितना भी एंगल है वो आपका किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपका फाई से
रिप्रेजेंट किया जा रहा है. थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन द अबोव लाइन एंड जेड एक्सिस. ठीक है, जेड एक्सिस के साथ और इस लाइन के साथ जो एंगल है वो आपका क्या है, थीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. पी जे एंड मोड ऑफ एम इज एसोसिएटेड इसेंट्रिक फंक्शन. एंड एम है वो क्या होगा, आपका कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. एंड रोटेशन है वो आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट. एंगुलर मोमेंटम फॉर द मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूलर सिस्टम के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. जैसे आपका जनरली क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम की हम बात करते हैं तो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी हम लिखते हैं. सेम उसी तरह से जब आप एंगुलर कोई सिस्टम कंसिडर करके चल रहे हो तो वहां पे मास का रोल कौन प्ले करता है, इनर्शिया प्ले करता है. ठीक है, एंड जो नॉर्मल जो वेलोसिटी होती है उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी. तो हम क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा. ओमेगा आप बताओगे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है एंड एंगुलर मोमेंटम विल बी क्वांटाइज्ड. एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो कोई हम रैंडम कोई भी वैल्यू है वो नहीं ले सकते, वो एक क्वांटाइज्ड वैल्यू है वो मिलेगी आपको. फॉर द रोटेशनल क्वांटम नंबर जे, जे जो हमने कहा कि जे के लिए जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 0, 1, 2, 3 इस तरह से आगे प्रोसीड कर सकती हैं. और ये हमने क्या कहा कि एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होगा. क्वांटाइज्ड होगा तो आप बेटा किस तरह से लिखोगे कि जे इज एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन एंड साथ में आपका क्या हो गया, एच क्रॉस हो गया. ठीक है, तो अब एल और आई है, ठीक है, उनका भी एक रिलेशन है. ठीक है, L is equal to I omega था. अब हम इसकी वैल्यू है वो यूज करके हम कहेंगे कि रोटेशनल अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगी, EJ is equal to half I omega square. जैसे हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या बोल दिया था, जीरो होगी. एंड काइनेटिक एनर्जी है वो जनरली क्या होती है आपकी, हाफ एम वी स्केयर. तो उसी तरह से मास ये आपका क्या हो जाएगा, वी स्केयर. वी स्केयर की जगह पे एंगुलर मोशन के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि रोटेशन मोशन के लिए आप क्या लिखते हो, ओमेगा लिखते हो. तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्केयर. अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे तो एल और आई की फॉर्म में आपको वैल्यू मिल जाएगी और वो क्या होगा आपका, EJ is equal to L square divided by 2I. ठीक है, अब यहां से हमने क्या करना है कि L की वैल्यू, ये हमने कहा था कि क्वांटाइज्ड वैल्यू होगी और वो की J की टर्म में होगी. ठीक है, तो हम लिखेंगे कि L is equal to J into J plus root of J into J plus 1 and H cross. ये वैल्यू आपने क्या करनी है, L square की वैल्यू पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा J into J plus 1 and आपका H cross square हो जाएगा. ठीक है, नीचे आपका क्या है, 2i है, वो वैल्यू आपने पुट कर दी तो ये आपको क्या मिलती, रोटेशनल एनर्जी मिलती. अब यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा विल ऑब्टेन फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द रोटेशनल एनर्जी स्टेट. रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो हम बताएंगे कि हमें कब मिलता है, जब हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं रोटेशनल लाइन के बीच में. ठीक है, जो रोटेशनल एनर्जी जो स्टेट्स हैं उनके बीच में जो ट्रांजिशन हमें मिलेंगी तो उन ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी स्पेक्ट्रा मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा. द मॉलिक्यूल्स दैट हैव द इलेक्ट्रॉनिक डायपोल मोमेंट कैन अब्सॉर्ब एंड एमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स इन सच ट्रांजिशन. ठीक है, और फिर कौन किस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसको शो करेंगे तो हम इसका एग्जांपल देंगे कि मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक डायपोल मोमेंट है वो एग्जिस्ट करता है, वो ऐसा कर सकते हैं कि अब्सॉर्ब कर सकते हैं और एमिट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन इन सच ट्रांजिशंस. ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि जो कंडीशन है वो क्या है, एक तरह से डायपोल मोमेंट है वो होना चाहिए. Does the non polar diatomic moles, ऐसे diatomic molecules भी हो सकते हैं जो कि polar नहीं है, तो मतलब dipole moment उनके अंदर exist नहीं करेगा. Example आप दे सकते हो बेटा कि जैसे आपका H2 हो गया and the symmetrical polyatomic molecules diatomic भी नहीं polyatomic भी हो सकते हैं, तो वो example दे सकते हो CO2 हो गया CH4 हो गया don't exhibit rotational spectra. ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपके non polar diatomic molecules हो सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा symmetrical polyatomic molecules हो उनके अंदर भी rotation स्पेक्ट्रा है वो नहीं मिलेगा. ठीक है, इवन द मॉलिक्यूल हैव द परमानेंट डायपोल मोमेंट. अब ऐसा नहीं है कि डायपोल मोमेंट जिनका एग्जिस्ट करता है उनके अंदर सब में रोटेशन स्पेक्ट्रा है वो आपको मिलेगा, तो वो इन्होंने क्या कहा कि इवन द मॉलिक्यूल हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट नॉट ऑल द ट्रांजिशंस आर पॉसिबल. ठीक है, तो सभी जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल नहीं होंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग है रेडिएशन है वो आपको मिले वो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, द सिलेक्शन रूल फॉर द रोटेशन स्पेक्ट्रा इन द रिजल्ट रोटेटर विल बी. कुछ ना कुछ जो सिलेक्शन रूल या फिर हम कह सकते हैं कि वैलिड ट्रांजिशन है वो पॉसिबल होंगी और वो हम क्या कहेंगे, जैसे आपने सिलेक्शन रूल्स हैं वो पहले भी पढ़े हैं कि कौन से ट्रांजिशन सब अलाउड होंगे कौन से फॉरबिडन होंगे. तो ये आपका क्या होगा कि डेल्टा जे दैट शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1. ठीक है, तो सिर्फ वही ट्रांजिशन है वो क्या होंगी, पॉसिबल होंगी. द रोटेशन स्पेक्ट्रा विल ऑब्टेन बाय ट्रांजिशन इन द इनिशियल स्टेट हैविंग द क्वांटम नंबर जे टू जे
प्लस वन, ठीक है। तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन बाय ट्रांजिशन, ट्रांजिशन है वो आपकी किस में है, जे से लेकर आपकी जे प्लस वन है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर स्टेट से आप किस में जा रहे हो, हाइयर स्टेट में जा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्प्शन को बता रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एब्जॉर्ब फोटोन विल बी, और अगर फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वी जे से लेकर आपका जे प्लस वन, तो यहाँ पर क्या जाएगी जितनी भी एनर्जी थी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच म्यू होता है। तो बेटा आप क्या करोगे, एच से डिवाइड कर दोगे, जो भी एनर्जी है ट्रांजिशन से वो पॉसिबल क्या हो सकती है आपकी जे प्लस वन, फाइनल जितना है और इनिशियल जितना था। तो आपने क्या किया, जे प्लस वन माइनस ई जे, तो इन्होंने क्या कहा कि वैल्यू होगी एच क्रॉस डिवाइडेड बाई टू पाई आई, तो साथ में क्या मिलेगा आपको जे प्लस वन, ठीक है। आई है वो मोमेंट ऑफ एनर्जी है। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, फॉर द एनर्जी लेवल्स फॉर द रिजल्ट रोटेटर वी हैव EJ इज इक्वल टू सॉरी FJ इज इक्वल टू E रोटेशन डिवाइडेड बाय आपका क्या है HC, ठीक है। अगर आप टर्म वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हो तो ये आपका क्या करना है, HC से डिवाइड कर देना है। एनर्जी की जो भी वैल्यू है वो आपने क्या कर दी, यहां पे पुट कर दी, और उसको आपने क्या करना है, HC से डिवाइड करना है। तो इन्होंने क्या कहा, हमें फाइनल मिलेगा H डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर IC और J * J + 1, ठीक है। तो अब J * J + J और J प्लस वन की अगर हम बात कर रहे हैं तो J एक तरह से नंबर है जो कि वेरिएबल है, 0, 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू है वो आगे प्रोसीड कर सकती है। बच गया क्या, ये वाला जो टर्म है ये हमारी क्या होगी, कांस्टेंट टर्म है, वो मिल जाएगी H डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर IC, जिसको हमने क्या कर दिया, सिंपलीफिकेशन के लिए कांस्टेंट का नाम दे दिया, एक टर्म का नाम दे दिया जिसको हमने कैपिटल B से रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या हो गया, B J * J + 1। तो हम क्या कहेंगे कि B इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एंड IC, ये हमारा क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। इन द डायटोमिक मॉलिक्यूल द एब्जॉर्प्शन लाइन आर एट द सेपरेशन ऑफ 2B 4B एंड सो ऑन, सेपरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एक तरह से आपको 2B पे मिलेगी, 4B पे मिलेगी, 6B पे मिलेगी, इस तरह से। एन एरो आर अपवर्ड डायरेक्शन शो द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लोअर लेवल टू द अपर लेवल, ठीक है। आपका ट्रांजिशन है वो कहां से है, लोअर लेवल से हाइयर लेवल से, तो ऑब्वियसली बात है वो है वो एक तरह से एब्जॉर्प्शन लाइन है उनको शो कर रहा है। डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो बेटा हम ऐसे शो करेंगे, ये आपकी क्या होगी, टर्म वैल्यूज होंगी, और इस साइड हम क्या लेके चल रहे हैं एक तरह से, ये जे का वेरिएशन है, ठीक है। तो जे के लिए हमने पॉसिबल वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल जे इज इक्वल टू 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 हो गया आपका, 5 हो गया, इस तरह से मूव कर रही है। इनके कोरस्पॉन्डिंग जो आप वैल्यू रखोगे तो वो क्या हो जाएगी, आपको 0 मिलेगी, 2B, 6B एंड 12B, उसके बाद आपका क्या है 20B और आपका क्या है 30B, ठीक है। तो आपको ट्रांजिशन इस तरह से शो करनी है बच्चे कि आपने क्या कहा था, एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हो। एब्जॉर्प्शन कब होता है बेटा, जब आप ग्राउंड स्टेट से किस में जाते हो, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आप हाईर स्टेट में चले जाते हो, ठीक है। तो वो हर एक जो लाइन है उसका एरो शो कर रहा है कि आप ग्राउंड से किसी हाईर में गए हो, ठीक है, मतलब लोअर से आप किसी अपर लेवल पे गए हो। सेम वही चीज आपको हर एक के लिए शो करनी है। और आप ट्रांजिशन में एक चीज और ध्यान रखोगे, सिलेक्शन रूल ने आपको बोला है कि जे का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि 4 से ट्रांजिशन 5 में हो रहा है, 3 से 4 में हो रहा है, 2 से 3 में हो रहा है, 1 से आपका 2 में हो रहा है, 0 से आपका क्या है 1 में हो रहा है। आप कोई रैंडमली यू नहीं है कि आप 0 से 3 में चले गए, 0 से आप 4 में चले गए, 5 में चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल बेटा आपको पहले बता दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। और डायग्राम में बस ये चीज ध्यान रखोगे कि आप जो दो एनर्जी स्टेट्स की बात कर रहे हो तो आप एरो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड सेकंड थिंग कि मतलब आप जो सिलेक्शन रूल है वो आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस इन दो चीजों को ध्यान रखना, बाकी आप कहीं भी कोई गलती नहीं करोगे। उसके बाद आप इन्होंने क्या कहा कि जब ये ट्रांजिशन हो रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, 2B मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे जब आप जा रहे हो तो ये आपको 4B मिल रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो आपको क्या है 6B, फिर 8B और फिर आपका क्या हो गया 10B हो गया, ठीक है। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन की बात कर रही है, तो इन सब के बीच का अगर हम गैप दिखते हैं बेटा, तो ये क्या है 2B एंड 4B, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2B, 6B एंड 4B दोनों के बीच का गैप कितना है 2B, ये दोनों के बीच का गैप भी 2B और इन दोनों के बीच का गैप भी कितना है 2B है, ठीक है। तो इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये वाली ट्रांजिशन आप शो कर रही हो आप जो टर्म वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद फिर आपको फाइनल क्या मिलगी, ये वाली जो लाइन है वो मिलगी, फिर आप उनके बीच के गैप की बात करोगे, ठीक है, जो भी आपने इक्विडिस्टेंट की बात की थी। उसके बाद है कि नॉन रिजिड रोटेटर, ठीक है, ये तो यहाँ तक जो हमने किया है वो था आपका रिजिड रोटेटर। अब हम उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड
फॉर्म है नॉन रिजिड रोटेटर. अब इसको लाने की नीड क्या हुई वो हम देखते हैं. इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट इन द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई व्हाइल कैरिंग द रोटेशन. जब हम रोटेशन की बात करते हैं, अभी जैसे हम रिजिड रोटेटर का कहा कि भाई कोई एक्सिस है उसके साथ दो जो मतलब डायटमिक मॉलिक्यूल है वो एक तरह से कनेक्टेड है, उसके उसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू आउट वो क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं. वहां हमने किसी और टाइप के मोशन की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अगर हम देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स हैं वो रोटेशन के साथ कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस भी करते हैं. ठीक है, दस द मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिगार्डेड एज द स्ट्रिक्टली रिजिड रोटेटर. इसलिए हम सिर्फ उनको रिजिड रोटेटर ही बोले ये चीज ठीक नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअल में देयर इज समवट वाइब्रेशंस आल्सो. अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल कंसिडरेशन रोटेशनल टर्म वैल्यू इन द नॉन रिजिड रोटेटर मे बी अप्रोक्सीमेटेड टू. ठीक है, तो अब हम इसका क्वांटम मैकेनिकल कंसिडरेशन लेके चलते हैं और हमें क्या करना है, जो रिजिड रोटेटर वाली जो टर्म्स थी उसमें कुछ ना कुछ हम मॉडिफिकेशन करेंगे. मॉडिफिकेशन के बाद इसने क्या कहा कि अब जो टर्म वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, एफ जे इज इक्वल टू बी इंटू जे इंटू जे प्लस वन. यहां तक हमारा किसमें था, रिजिड रोटेटर में. अब आपको बेटा एक चीज और एड कर देनी है, माइनस साइन के साथ आप लिखोगे डी जे स्केयर और जे प्लस वन स्केयर हो जाएगा. ठीक है, अब मतलब एक तरह से आप मान सकते हो कि स्केयर वाली जो टर्म है वो भी इसमें एड हो गई है. और जैसे यहाँ पे बी था यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक और कॉन्स्टेंट एक और टर्म है उसको ऐड किया है, दैट इज डी. आप बताओगे कि जो डी है वो बी के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, लेकिन वो क्या है, कुछ ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है. ठीक है, तो द सिलेक्शन रूल फॉर द नॉन रिजिड रोटेटर विल बी सेम एज दैट ऑफ द रिजिड रोटेटर. सिलेक्शन रूल है जैसे रिजिड के लिए थे उसी वैसे ही हमारे किसके लिए होंगे, नॉन रिजिड रोटेटर उसके लिए होंगे. द रोटेशन लाइन द नॉन रिजिड रोटेटर विल बी फॉर द फार आई आर स्पेक्ट्रम. जैसे वहां पे माइक्रोवेव के लिए बोला था हमने कि वो लाइंस वो कहां लाई करती है, माइक्रोवेव रीजन में. यहां आप बताओ कि वो किसके लिए अंदर लाई करती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अंदर लाई करती है. द वेव नंबर विल बी म्यू रोटेशन इज इक्वल टू एफ जे इंटू जे प्लस वन माइनस एफ जे इज इक्वल टू टू बी जे प्लस वन माइनस फोर डी जे प्लस वन क्यूब. ठीक है, तो ये वेव नंबर की टर्म में है वो भी हम डिनोट कर सकते हैं. एंड द स्पेक्ट्रल लाइन इन दिस मॉडल विल नो लॉन्गर विल बी इक्वी डिस्टेंस. अब वहां पे लाइन्स है वो क्या थी, एक तरह से जो फाइनल हमें मिल रही थी 2b 4b 6b 8b एंड 10b, तो वो उन दोनों के बीच का जो हर एक दो लाइन की बात अगर हम करते हैं उन दोनों के बीच का गैप कितना था, 2b था. ठीक है, तो हमने क्या कहा था रिजिड रोटेटर के लिए, या फिर हम कह सकते हैं रोटेशन स्पेक्ट्रा जो उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो मिलेगा वो इक्विडिस्टेंट थी. लेकिन आप बेटा यहां पे क्या कहोगे, स्पेक्ट्रल लाइन है वो अब इक्विडिस्टेंट नहीं है. द सेपरेशन विल ग्रेजुअली विल डिक्रीज एट द स्लो रेट. ठीक है, आप कहोगे कि जो सेपरेशन अगर हम आगे मूव करते जाते हैं वेव नंबर के साथ है, तो आपका सेपरेशन है वो डिक्रीज होता जाता है. बेशक वो जो रेट है वो स्लो हो, लेकिन सेपरेशन डिक्रीज होता जाता है. ठीक है, तो ये आपका रोटेशन स्पेक्ट्रा था. आपको सिंपली स्टार्टिंग करनी है कि मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर कितने टाइप के आपके स्पेक्ट्रा होते हैं, उसमें फिर आपको फिर आगे डिटेल में जाना है. रोटेशन स्पेक्ट्रा के लिए आपको एनर्जी रेंज बतानी है, उसके बाद फिर आप बताओगे कि ट्रांजिशन सब रोटेशन लेवल्स होती है, रोटेशन एनर्जी स्टेट होती है उनके बीच में होती है, माइक्रोवेव रीजन है उसमें लाई करता है. उसके बाद आपको एक डायटमिक सिस्टम लेके चलना है, उसके बाद हमने क्या करना है उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है, एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद टर्म वैल्यू है वो आप फाइंड आउट करोगे, एक डायग्राम आप ड्रॉ करोगे कि टर्म वैल्यू, और अगर हम डिफरेंट डिफरेंट जे की वैल्यू बात करते हैं फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो आपको शो करना है, और वहां से आप कंक्लूड करोगे कि जो आपको रोटेशनल जो लाइंस मिल रही हैं, ठीक है, वो हमारी क्या मिल रही है, हमें इक्विडिस्टेंट मिल रही है. फिर आपको एक चीज और ऐड करनी है, एक स्पेशल केस की तरह से, कि नॉन रिजिड रोटेटर. नॉन रिजिड रोटेटर क्या होगा कि हम कहेंगे कि सिर्फ रोटेशनल स्पेक्ट्रा, हम रोटेशन की बात करते हैं, दो एटम्स हमने ले लिए उनको हम रोटेशन की बात करते हैं, लेकिन वो प्योरली रोटेशन ही, रोटेशनल मोशन ही नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ वाइब्रेशन भी होते हैं. फिर वाइब्रेशन वाला पार्ट है उसको हम और कंसिडर करेंगे, उसके अंदर फिर हमने एक चीज और मॉडिफाई कर देनी है, एक टर्म और ऐड करेंगे हम, डी इंटू जे प्लस वन स्केयर हो जाएगा, जे स्केयर और जे प्लस वन स्केयर हो जाएगा. ठीक है, फिर हम बताओगे कि डी और बी है उन दोनों में रिलेशन क्या है, और डी है वो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है. यहां से हम कंक्लूड करेंगे कि नॉन रिजिड रोटेटर है वो रिजिड रोटेटर की तरह से इक्विडिस्टेंट लाइन नहीं दिखता, यहाँ पे जो सेपरेशन है वो विद इंक्रीजिंग जे आपका डिक्रीज होता जाता है. ठीक है, और वो ग्रेजुअल डिक्रीज हो सकता है, स्लो डिक्रीज हो सकता है, लेकिन वो एक तरह से एक डिक्रीजिंग पैटर्न है वो शो करता है. तो ये आपका टॉपिक था रिजिड रोटेटर. आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. थैंक यू.